हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हसन 143 में। गाइस, आज दुखद खबर यह है कि दोस्त हमारे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको मैं लेके आया हूँ हॉस्पिटल। आप लोगों से दुआ है कि आप लोग दोस्त के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक रहे। पर्ची कटा लिया हूँ, 70 रुपया लगा है, बाकी आगे देखो। हाँ गाइस, तो पूरा डॉक्टर से चेक कराया, डॉक्टर ने देखा उसको, उसके बाद फिर जो है सब बीपी पे सब जाँच किया, फिर उसके बाद जो है बोला इसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। फिर वापस से जो है जो खाद पर लेटाया है, ग्लूकोज चढ़ चुका है, लग रहा है उसमें सुइयाँ जो लगनी थी वो भी लग चुकी हैं। अभी देखो कितना टाइम लगता है, घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, जो भी लगे। इससे पहले तबीयत ख़राब थी इसकी, तो हम लोग लेके गए थे हॉस्पिटल, ठीक है, इधर होता है सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे। उधर देखा डॉक्टर, वो दवाई दिया नॉर्मल सी भाई, अब फ्री वाला दवा कैसा मिलेगा, आप लोग समझ सकते हैं। दो बार तीन बार जाके दवा लेके आया बंदा, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद लास्ट में जो है खुद बोला चलो भाई काम करते हैं, पैसे का मुँह नहीं देखेंगे भाई, चल के दवा लेके आएंगे, तबीयत ठीक रहेगी तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर लेके आया, डॉक्टर को दिखाया, चेक कराया कैसा क्या है। डॉक्टर ने देखा, देखो इधर से देखो, इधर सुई लगाया है, फिर ग्लूकोज लगाया, ग्लूकोज में चल रहा भाई। अल्लाह से यही दुआ है यार, ऊपर वाले से यही दुआ है कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो भाई, क्योंकि परेशानी जिसको होता है वही समझ सकता है, ख़ास कर तो परदेश में। परदेश में कोई भी अगर परेशान है भाई ना, तो समझ लीजिए बहुत तकलीफ़ है यार। गांव घर है तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन परदेश में जो है, मैं तो यही रब से दुआ करूंगा भाई कि परदेश में किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। बंदा आया है दो पैसा कमाने के लिए, आए जैसे आए जैसे चले जाए यार, दो रोटी के लिए आया भाई, कोई किसी को परेशानी ना हो मेरा भाई, क्योंकि परेशानी बहुत बुरी चीज़ है भाई। अल्लाह ताला से यही दुआ है, ऊपर वाले से यही दुआ है कि भाई हर कोई परदेश में आए तो अल्लाह ताला उसको खुशहाल रखे, ठीक ठाक रखे। क्योंकि आज देख रहा हूँ मैं भाई तकलीफ़ क्या होती है, आज देखो इस बंदे से पूछो कितनी तकलीफ़। पैसा लग गया मुश्किल नहीं, 400-500-600 रुपया लग गया मुश्किल नहीं, लेकिन भाई जो तबीयत ख़राब होती है ना, तो समझ लीजिए भाई क्या बताऊँ। आप लोग समझ सकते हैं कि तबीयत ख़राब होने के बाद कितनी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। ये देखो ये सब दवा रखा है, इंजेक्शन इधर रखा हुआ है, दवा इसमें रखा हुआ है, अभी क्या क्या इस्तेमाल होगा कोई पता नहीं, ठीक है। अभी ग्लूकोज चढ़ रहा है, उसमें दवा लगा रही हैं, डाल रही हैं। अब बार बार अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट है, लेकिन इतना अच्छा है भाई, बार बार आके चेक करके जाती हैं क्या मसला है क्या नहीं है, कोई दवा लगानी है क्या लगानी है भाई, देखो इसमें रखा हुआ है, ठीक है भाई क्या करे भाई। बंदा परेशान जब होता है ना भाई, तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है। अब देख लो सुई लगा के सब कुछ, बंदा सो रहा है, ठीक है, सुई लगाए, इसको उलझन थी, सुई लगाए इसलिए कि आराम करे, इसको तकलीफ ना हो भाई। परदेश में ना, अब क्या बोलूँ मैं आपको, आप लोग समझ खुद समझदार हैं भाई, समझ सकते हैं कि परदेश में कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी तकलीफ़ इंसान को झेलना पड़ता है भाई, ठीक है। दो पैसा कमाने के लिए इंसान घर द्वार छोड़ के आता है, देखो अभी होश में आया, ठीक है, अभी इसको होश में क्या, अभी इसको जो है नींद से जगाया गया है। सिस्टर आई थी वो दवा के देने के लिए, इसको हाल चाल पूछने के लिए नींद से जगाया गया है कि आप उठो, ठीक है, कोई तकलीफ़ है क्या है उसको बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ़ कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल सुई लगा है, दवा भी है, दिया उसमें डाला गया है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, पानी की शॉर्ट जो है कमी थी इसके अंदर, ठीक है। परेशानी भाई ये 15 दिन हो गया बंदा, देखो 15 दिन हो गया परेशानी इसको, इस बंदे को, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी इधर उधर से दवा लानी पड़ती है, ठीक है गाइस। अभी देखो गाइस बोतल जो है ख़त्म होने वाली है, थोड़ा सा बचा है, सिस्टर आई थी दवा लगा के उसमें चली गई हैं, ठीक है, तो उनका फोटो मैं नहीं ले सकता वीडियो में गाइस। बस आप लोग से यही दुआ है कि गाइस आप लोग जो है इसके इस बंदे के लिए, हमारे दोस्त के लिए प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए कि आप बंदा हमारा जल्द से जल्द ठीक है। बस दुआ की ज़रूरत है, आप लोग दुआ कीजिए और सबके लिए भी दुआ कीजिए कि कोई भी बंदा परदेश में रहे या घर कहीं भी रहे तो खुशहाल रहे, दो पैसा